फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रवा, जिसको कई जगह तगार भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे लाइक करें, शेयर करें, अपना चैनल कुक विद आरवी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रवा बनाना। इसके लिए हमने लिया 1 किलो चीनी। इसमें हम डालेंगे 250 ml पानी। फ्लेम ऑन कर देंगे, चीनी को घुलने देंगे। ये देखिए, ये हमारा चीनी में बॉईल आ चुका है। अब हम इस चीनी को साफ करेंगे। तो इसमें हमने डाला है 3 to 4 टेबल स्पून दूध। इससे क्या है, चीनी साफ हो जाएगी। चीनी में दिखती नहीं है लेकिन गंदगी होती है, अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे तो वो जो हमारा रवा है वो थोड़ा वाइट नहीं बनेगा। ये देखिए, ऊपर इसमें गंदगी आ गई है। तो चम्मच की सहायता से हम इसको अलग कर लेंगे। वैसे तो मार्केट में इसको साफ करने के लिए बहुत सारे केमिकल मिल जाएंगे, लेकिन हम घर की चीज़ों से इसको साफ करेंगे और दूध से एकदम बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है ये। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। ये देखिए, ये हमने सारी गंदगी हटा ली है इसमें से। कितनी सारी गंदगी निकली है दिख रही है ना आप। अब हम इसको बॉईल होने देंगे। ये देखिए, इसमें धीरे धीरे बबल्स आ रहे हैं। हमें अभी इसको और पकाना है। ये देखिए, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने तक ऐसे चलाते रहेंगे। चलाना बंद नहीं करना है, अगर चलाना बंद कर दोगे तो इसमें क्रिस्टल बन जाएंगे। बहुत सी जगह तो इसको रवा कहते हैं, तगार कहते हैं, बूरा भी बोलते हैं। वैसे बूरा हमारे उधर अलग होता है, लेकिन बहुत सी जगह इसको बूरा भी बोला जाता है। अब जैसे साउथ में आप रवा मांगोगे तो आपको जो सूजी होती है वो पकड़ा देता है दुकानदार, तो बहुत सी जगह तो मिलता भी नहीं है ये। अब जैसे हमको कोई लड्डू वगैरह बनाना है तो कहीं मिल नहीं रहा है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए अब आप घर पे भी बना सकते हो और बहुत ही इजी है इसका बनाना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये देखिए, ये धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। और जब भी कभी आप बेसन के लड्डू बना रहे हैं या मावा के लड्डू बना रहे हैं तो रवा घर पर बनाएं और आराम से लड्डू भी बनेंगे। तो ये देखिए, ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा इसमें थोड़ा क्रिस्टल बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए चलाते रहना है इसको हमें। ये देखिए, जैसे थोड़ा बहुत क्रिस्टल बन रहा है तो मैं चम्मच से उसको तोड़ रही हूँ। तो इस तरह से हमको चलाते रहना है। और जैसे जैसे ये ड्राई होता जाएगा तो हमको हाथ भी थोड़ा फास्ट चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब ड्राई होने लगता है तो बहुत ही जल्दी ड्राई होता है ये और फिर इसमें क्रिस्टल पड़ जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से चम्मच से जो भी क्रिस्टल बने उसको आप दबा के ठीक कर सकते हो। ये देखिए, ये हमारा
रवा बन के तैयार हो गया है। रवा बोलो, तगार बोलो, जो भी आपके वहाँ बोलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा रवा बन के तैयार हुआ है, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। एकदम कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, वाइट कलर आया है एकदम से। ये देखिए दाना भी बहुत अच्छा आया है, ना ज़्यादा बारीक है और ना मोटा है। तो अब आप आराम से घर पर ही कोई भी लड्डू बना रहे हो बन सकते हैं। तो आप भी ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें कि आपका रवा कैसा बना।